सर आप संस्कृति मंत्री हैं और सर आप पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना? मेरे को सुनाई पैमाने में मतलब छत्तीसगढ़ में क्या डोंगड़ सभी जगह वैसी है, मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोले? मैं बोला सर आप संस्कृति मंत्री हैं और सर आप पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना? मेरे को सुनाई पैमाने में मतलब छत्तीसगढ़ में क्या डोंगड़ सभी जगह वैसी है, मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोले? मैं बोला बड़े दुख का विषय है कि शराब खपत में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरे नंबर की श्रेणी में आ चुका है। आज हाल ये है कि प्रदेश में शराब की नदियां बहाई जा रही है और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश में शराबबंदी का वादा कर यहां की सत्ता हथियाई है। और 2.5 साल में हाल ये हो गया कि ना ये जनता की आवाज सुनना चाहते हैं, ना पत्रकारों की आवाज सुनना चाहते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तीर्थ स्थान डोंगरगढ़ में जाकर मंत्री जी पत्रकारों के सवाल को जानबूझ के साजिशन वहां पर जिस तरीके से अनसुना कर रहे हैं, ये सारी चीजों को प्रदेश की जनता ने देख लिया है। और इस सरकार का चाल चरित्र चेहरा शराबबंदी को लेकर क्या है ये भी कहीं ना कहीं इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है। अब 2.5 साल में इस सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता भी इनकी किसी आवाज को नहीं सुनेगी, ये बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है। और ये बहुत ही अपने आप में बड़ा मामला है, एक जिम्मेदार पद में बैठा हुआ कैबिनेट मंत्री इस तरीके से पत्रकारों की आवाज को अनसुना करके उनकी बेइज्जती करता है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है और इस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। सर आप संस्कृति मंत्री हैं और सर आप पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना? मेरे को सुनाई पैमाने में मतलब छत्तीसगढ़ में क्या डोंगड़ सभी जगह वैसी है, मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोले? मैं बोला सर आप संस्कृति मंत्री हैं और सर आप पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना? मेरे को सुनाई पैमाने में मतलब छत्तीसगढ़ में क्या डोंगड़ सभी जगह वैसी है, मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोले? मैं बोला बड़े दुख का विषय है कि शराब खपत में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरे नंबर की श्रेणी में आ चुका है। आज हाल ये है कि प्रदेश में शराब की नदियां बहाई जा रही है और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश में शराबबंदी का वादा कर यहां की सत्ता हथियाई है। और 2.5 साल में हाल ये हो गया कि ना ये जनता की आवाज सुनना चाहते हैं, ना पत्रकारों की आवाज सुनना चाहते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तीर्थ स्थान डोंगरगढ़ में जाकर मंत्री जी पत्रकारों के सवाल को जानबूझ के साजिशन वहां पर जिस तरीके से अनसुना कर रहे हैं, ये सारी चीजों को प्रदेश की जनता ने देख लिया है। और इस सरकार का चाल चरित्र चेहरा शराबबंदी को लेकर क्या है ये भी कहीं ना कहीं इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है। अब 2.5 साल में इस सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता भी इनकी किसी आवाज को नहीं सुनेगी, ये बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है। और ये बहुत ही अपने आप में बड़ा मामला है, एक जिम्मेदार पद में बैठा हुआ कैबिनेट मंत्री इस तरीके से पत्रकारों की आवाज को अनसुना करके उनकी बेइज्जती करता है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है और इस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।